नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल मैथ्स एजुकेशन में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप डी से पूछा गया सवाल। आज हम देखेंगे SSC ग्रुप डी रेलवे से पूछा गया सवाल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राम 40 वर्ष का है और राज 60 वर्ष का है, तब कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन संबंधित सवाल अगर आयु वाला अनुपात में दिया हो तो सबसे सॉल्व करने का आसान तरीका है ऑप्शन से करेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। राम 40 वर्ष का है, कितने वर्ष का है राम? 40 वर्ष का। और राज 60 वर्ष का है, तो कितने वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 3:5 होगा। तो ऑप्शन से सॉल्व करके देखते हैं। राम कितना है? 40। यहाँ लिखते हैं राम 40 वर्ष का है और राज 60 वर्ष का है। तो फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन लेके चलते हैं। कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। चलिए इसमें 5 घटा देते हैं। राम में 5 घटा दिए और राज में भी 5 घटा देते हैं। तो इनमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 35। अगर 60 में 5 घटा रहे थे हमें 55। ये अनुपात में इनको ऑप्शन से काट लेते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। अगर इसे 7 से काटेंगे तो कितना बदल जाएगा? 7 × 5 = 35। लेकिन इसको हम 5 से काटेंगे, 5 × 7 = 35 और 5 × 11 = 55। मतलब इनका अनुपात कितना हो गया? 7:11। तो ये वाला इस अनुपात में मैच नहीं कर रहा है, तो सेकंड वाला ऑप्शन लेंगे। चलिए देखते हैं सेकंड वाला। राम है 40 वर्ष का और राज है हमारा 60 वर्ष का, तो इसमें कितने वर्ष पहले? 15 वर्ष पहले लेके देखते हैं। तो इसमें 15 माइनस कर देते हैं, इसमें भी 15 माइनस कर देंगे। तो इनका 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? इनको घटा देते हैं 15, इसमें भी 15 घटा देते हैं। तब 40 में 15 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा और 60 में 15 घटाएंगे तो 45 आ जाएगा। फिर इसे सॉल्व करते हैं। अगर 5 से काटते हैं तो 5 × 25 और 5 × 45। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो गया हमारा? 5:9। तो इसमें अनुपात 3:5 है, तो यहाँ भी 3:5 आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो पहला वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा वाला ऑप्शन लेके चलते हैं। राम हमारा कितना है? 40 है और राज है 60 वर्ष का। 10 वर्ष पहले देखते हैं। अब इन दोनों में 10 वर्ष पहले ले लेते हैं, माइनस कर देते हैं 10 वर्ष। अगर 40 में 10 माइनस करेंगे तो हमारा 30, 60 में 10 करेंगे तो हमारा 50। तो इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। अगर 10 से 30 को 10 से 3 बार में काटेंगे 30 कट जाएगा, 10 × 30 रेशियो। और 10 से इसको फिर काटेंगे 50 को 10 से काटेंगे तो हमारा 10 × 5 = 50। तो 3:5। तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है? थर्ड वाला। ये सेम आ रहा है इनका अनुपात। मतलब कितने वर्ष पहले? अगर 10 वर्ष पहले लेते तो इन दोनों का अनुपात कितना होता? 3:5 हो जाता। तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है? थर्ड वाला। तो कितना वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले आए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20% की दर से 2 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा यदि मूलधन हमारे पास कितना है? 5,000 रुपये है। 20% की दर से 2 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा? दोस्तों अगर चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर पूछेगा कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। तो याद रखना दोस्तों, उसका फार्मूला हो जाएगा 2 वर्षों के लिए। हमारा 2 वर्षों के लिए फार्मूला हो जाएगा PR² / 100² कितने वर्षों के लिए?
2 वर्ष के लिए। अगर चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर पूछा गया है 2 वर्षों के लिए, तो ये वाला फार्मूला से हम सॉल्व करेंगे। चलिए मान रखते हैं हमारा मूलधन कितना है, 5,000 रुपये है। हमारा मूलधन 5,000 रुपये है और दर कितना है हमारा, 20% दर है। मान रख के सॉल्व करते हैं, डी बराबर हमारा पी बराबर कितना हो जाएगा, 5,000। आर कितना हमारा, 20%, 20 का स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5,000 का 5,000 हो गया इधर 5,000, 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 400, 100 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 10,000। चलिए इसको काट लेते हैं, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कट गया, इधर का 1 जीरो इधर का 1 जीरो कट गया, कितना बचा यहाँ पर 40। हमारे पास बचा 40, यहाँ पर कितना बचा है 5, यहाँ से 5, 5 चौ 20, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा 20 और 0 का 0, तो यहाँ पर 200 रुपया आ रहा है। कितने रुपए के, मूलधन के लिए पूछा जाए तो अगर हमारा मूलधन 5,000 रुपये है तो चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर 200 रुपया हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा में मैच कर रहा है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, ये वाला थर्ड वाला दोस्तों, ये वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन देखना एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5,000 की राशि पर 10% ब्याज की दर से 3 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन में पढ़े थे हम चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज अंतर कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए पढ़े थे, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे 3 वर्षों के लिए। तो हमारा 3 वर्षों के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 3 वर्षों के लिए फार्मूला है डी बराबर पी आर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। बस दोस्तों, और कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। इसमें क्या आएगा, 3 वर्षों के लिए प्लस एक और आ जाएगा इनटू 300 प्लस आर बाई 100। बस इसे में मान रखना है और सॉल्व करना है। चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर पूछा गया है, अगर 2 वर्षों के लिए पूछा जाए तो सिर्फ ये वाला सॉल्व करेंगे, अगर 3 वर्षों के लिए पूछा जाए तो इन तीन दोनों को मिला लेंगे। चलिए मान रखते हैं डी बराबर हमारा हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, पी मतलब हमारा मूलधन कितना है 5,000 रुपये है, आर हमारा कितना है 10% ब्याज है मतलब 10 का स्क्वायर बटे यहाँ 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर कितना है हमारा 10%, यहाँ मार रख लेते हैं 100 का 100। चलिए मार रखते हैं यहाँ से, तो 5,000 हमारा मूलधन हो गया है, 10 का 100 का स्क्वायर करेंगे हमारा 10,000 हो जाएगा इंटू 300 प्लस 10 मतलब 310 100 का 100। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, ये 4 जीरो इधर 3 अब 1 4 जीरो कट गया, इधर का 1 अभी 2 और 1 इधर मतलब 31 ये वाला बचा और ये इंटू 5 वाला मतलब 5। सॉल्व करते हैं इसको, तो 5 एक कम 5 और 5 दिया 15 155। तो 10% ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर कितना है दोस्तों, 155 है। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है दोस्तों, थर्ड वाला ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए दोस्तों। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लाता रहूँगा दोस्तों जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते ही सवाल का हल कर लेंगे हम। यह हमारा सबसे आसान सवाल है,
एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में दोगुने गलत करता है। यदि उसे कुल 48 सवाल किए तो कितने सही हल करेगा? क्या पूछा है? एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में दोगुने गलत करता है, यदि उसे कुल 48 सवाल किए तो कितने सही हल किए? चलिए देखते हैं दोस्तों। मान लेते हैं कोई एक सवाल सही किया है तो इसका दोगुना क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। मान ले हम एक सवाल सही किए हैं तो इनका दोगुना गलत कर रहा है। तो यदि उसके कुल 48 सवाल, कुल मतलब इन दोनों का, दोनों मिलकर 48 सवाल हल किए तो कितने सही हैं? कुल मिलकर कितने सवाल हल कर रहे हैं? 48 सवाल हल कर रहे हैं। कितने सवाल हल कर रहे हैं? 48 सवाल। उसमें से कितने सही हल किए, कितने सही हल किए? चलिए देखते हैं। इन दोनों मिलकर दो और एक तीन, दोनों मिलकर कितने सवाल हल कर रहे हैं? 48 सवाल हल कर रहे हैं। तो इनमें कितने सही हैं? तो इसे काट देते हैं यहीं पर। तीन एकम तीन इधर 16 16 3 48, 16 बार में जाएगा दोस्तों। तो ये 16 सवाल हल कर रहे हैं। यदि एक विद्यार्थी सही सवाल कितना कर रहे हैं? 16 सही हैं। तो इनका दो गुना हमारे कितना हो जाएगा? 16 गुणित 2, दो गुना मतलब 32। तो कितने सही हल किए? तो ये वाला कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों? 16 1 2 सेकंड वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर इसी जगह पूछा जाता कि कितने सवाल गलत किए तो हम यहाँ पर आंसर हमारा 32 हो जाता। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिला है दोस्तों। यह सवाल ग्रुप डी में पूछा गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज पर, यदि P परसेंट बराबर 36 हो तो P बराबर क्या होगा? यदि P परसेंट, जैसे कि हम कोई X है तो इसका X परसेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा? X/100। तो उसी पर अगर P का कितना हो जाएगा? P परसेंट मतलब P/100, P परसेंट बराबर P/100। चलिए सॉल्व करते हैं। यदि P परसेंट 36 है तो सॉल्व करते हैं हमारा कितना आ जाएगा? P स्क्वायर बटे 100 बराबर 36। तो इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब 1 है, इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा तो कितना 36 तो इधर हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, P स्क्वायर बराबर हो गया 3600। तो P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर अंडर रूट इधर चला जाएगा, अंडर रूट 3600। तो P बराबर कितना हो जाएगा? 36 का 6 60, मतलब 60 पी, तो P बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो इसका मान 60 आंसर आ जाएगा। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है? तीसरा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसका आंसर 60 होगा। तो इसी तरह अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा दोस्तों, तो वहां जाकर आप लोग देख सकते हो। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए एवं नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए दोस्तों, एवं हो सके तो इसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद। अगर इस वीडियो का PDF चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है दोस्तों, जाकर आप देख सकते हो।